भागरोड़ा क्षेत्र में योग टीचर का प्राइवेट पार्ट कार्ड देने के मामले में पुलिस आरोपी महिला की जल्द गिरफ्तारी करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी। पति फौज में है और काफी समय पहले दोनों में अनबन हो गई थी। इस कारण दोनों अलग रह रहे थे। पुलिस ने महिला को 2 बार थाने बुलाया लेकिन वे थाने नहीं पहुंची। अब उसके बयान दर्ज करने और आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस उसके घर जाने की तैयारी कर रही है। पूरे मामले की जांच कर रही भागरोड़ा पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय योग टीचर की एक महिला से फेसबुक पर जान पहचान हुई थी। महिला भी योग सिखाती थी और सीखती थी। जान पहचान दोस्ती में बदल गई और दोनों एक दूसरे घर आने जाने लगे। पिछले सप्ताह महिला ने योग टीचर का प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर दिया और भाग गई। बाद में उसने ही पीड़ित योग टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया। उसने पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने योग टीचर से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। शादी के बाद में महिला साथी को भी पता लग गया था। इस कारण एक दो बार मामूली विवाद हुआ दोनों के बीच। उसे पता नहीं था कि उसकी साथी महिला उसके साथ इतना बड़ा कांड कर देगी। योग टीचर ने पुलिस को बताया कि वह 3 साल से संपर्क में थी और इस बीच एक दूसरे घर आना जाना भी था। कई बार सहमति से संबंध भी बने लेकिन शायद उसे डर था कि शादी के बाद वह जयपुर छोड़कर चला जाएगा। योग टीचर ने पुलिस को बताया कि साथी महिला कह रही थी कि वह शादी नहीं करे और मेरे साथ ही रहे, लेकिन मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया और परिणाम ये रहा कि अब शादी ही खतरे में पड़ गई है। इस बीच पीड़ित योग टीचर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चिकित्सकों ने फिलहाल माइनर सर्जरी की है लेकिन कटा अंग नहीं जोड़ सके। पीड़ित योग टीचर को अब कई जटिल सर्जरियों से होकर गुजरना होगा लेकिन उसके बाद भी जीवन पहले जैसा होगा इस बात का संशय बरकरार है। फिलहाल योग टीचर जयपुर से बीकानेर अपने घर लौट गया है।